हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं सोनिका, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लड़की से बात करते समय उसके किस अंग या किस बॉडी पार्ट्स को देखिए कि लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप सिंगल हो या किसी भी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो, किसी लड़की के लिए आपका दिल धड़कता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। क्योंकि आज मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ लड़की से बात करते समय अगर आप उनके इस अंग को देखते हो तो देखने से ही लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाती है। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे जरूर दबा लीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है कि लड़की की आंखें। जी हाँ दोस्तों, लड़की से बात करते समय उनकी आंखें बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं। जब आप उनकी आंखों में देखकर उनसे बात करते हो या बात नहीं करते हो, बेशक बस उनकी बातों को अच्छे से सुनते रहते हो ना, तो लड़की को ये लगता है कि आप उनकी बातों को अच्छे से सुन रहे हो, ध्यान दे रहे हो उनकी बातों पे, उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर रहे हो। क्योंकि ये लड़की चीज लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है कि जो भी लड़के उसकी बातों को अच्छे से सुनते हैं, इग्नोर नहीं करते या इम्पोर्टेंस देते हैं, तो लड़कियां उनसे जल्दी इम्प्रेस हो जाती हैं। इसके अलावा आपके लिए प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि इससे लड़की के सामने आपकी एक अच्छी इमेज बनती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लड़के होते हैं ना ऐसे कि जो लड़की से बात तो करते हैं, आंखों में देखने की बजाय कहीं और ही उनकी नज़र होती है या फिर किस अलग वे से देखते हैं, तो इसी वजह से उस लड़के की लड़कियों के सामने इमेज खराब हो जाती है। लेकिन जब आप उनकी आंखों में देखकर उनसे बात करते हो या उनकी बातों को सुनते हो, तो उससे लड़की के सामने एक अच्छी इमेज बनती है और लड़की आपसे इम्प्रेस भी हो जाती है। अगला स्टेप है कि लड़की से बात करते समय आप उनके लिप्स को भी देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, लिप्स भी एक ऐसा पार्ट होता है जिसे देखने से ही लड़कियाँ आपसे इम्प्रेस हो जाती हैं। क्योंकि देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि लड़कियाँ अपने लिप्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और भी ज़्यादा उन्हें सुंदर बनाने के लिए उन पर कितनी मेहनत करती हैं, ठीक है। काफ़ी देर तक मिरर के सामने खड़ी रहती हैं ताकि वो अच्छे लगे, सुंदर बने, अट्रैक्टिव हो, लड़के उन्हें देखें। लेकिन वहीं जब आप उनके लिप्स को देखते हो उनसे बात करते समय, तो आपके लिए दो प्लस पॉइंट हो जाते हैं। फर्स्ट तो ये होता है कि लड़की आपसे इम्प्रेस होती है, वो उसे ये लगता है कि हाँ भाई, लड़का मुझे नोटिस कर रहा है, मेरी लिप्स को देख रहा है, तो मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई है, ठीक है, बेकार नहीं गई, मैं यही तो चाहती थी, ये उसके माइंड में चलता रहता है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब आप लड़की से बात करते समय उसके लिप्स को देखते हो, तो उससे लड़की आपके बारे में ये सोचती है कि आप उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। जैसे कि जब आप किसी इंसान से बात करते हो, तो अगर वही इंसान आपकी आंखों में देखता है या फिर आपके लिप्स को देखता है, तो आपको अच्छा लगता है ना, आपको ये लगता है कि वो इंसान आपकी बातों को अच्छे से सुन रहा है। तो ठीक इसी तरह से लड़कियों के साथ भी होता है, जब आप उनसे बात करते समय उनकी आंखों में देखते, आई कॉन्टैक्ट बनाते हो या फिर उनके लिप्स को देखते हो, तो लड़कियों के सामने भी आपकी एक अच्छी इमेज बनती है, आपका करेक्टर सही होता है और लड़की आपसे आसानी से इम्प्रेस भी हो जाती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि लड़के की आंखों में देखना है, लिप्स में देखना है, लेकिन उससे नीचे बिल्कुल मत जाना। नहीं तो जो इतनी आपने मेहनत करी है लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में या फिर अपनी जो इमेज बनाई है, सारी दरी की दरी रह जाएगी, ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, ये तो नहीं इम्प्रेस करने के बाद, लेकिन वही कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि जो लड़कियों से बात नहीं कर पाते हैं, उनसे आई कॉन्टैक्ट नहीं मिला पाते हैं या फिर उन्हें अंदर से झिझक होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत वीक होता है, तो ऐसे में वो लड़के कैसे लड़की को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टिप है दोस्तों, देखो, अगर आपको लड़की से बात करते समय उनकी आंखों में देखने में थोड़ी हेजिटेशन हो रही है, झिझक हो रही है या फिर किसी भी तरह की नर्वसनेस होती है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि लड़की की आंखों में देखने की बजाय आप उनके फोरहेड पे देख सकते हो या फिर जो बिंदी का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, जहाँ पे लड़कियाँ बिंदी लगाती हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो। इससे भी लड़की को ये लगेगा कि आप उनकी आंखों में देख रहे हो, बट आप तो आंखों में देख ही नहीं रहे, तो आपका जो डर है वो निकल जाएगा और लड़की आपके बारे में यही सोचेगी कि आप उसकी आंखों में देख रहे हो, उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, तो इससे भी लड़की को आप इम्प्रेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये टिप उन लोगों के लिए है जो लड़कियों से बात करते समय शर्माते हैं या आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेगी।